बचपन प्लेवे स्कूल में कई कार्यक्रम आयोजित हुए क्योंकि मौका था बाल दिवस का, और इस बाल दिवस के कार्यक्रम को और खास बना दिया डॉक्टर तारिक खान और उनकी टीम ने। डॉक्टर तारिक खान और उनकी टीम सुबह ही बचपन स्कूल पहुंची और बारी बारी से बच्चों की जांच की। बच्चे भी अपने डॉक्टर अंकल को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखे और बड़ी ही सहजता से डॉक्टर से मिलकर अपना हेल्थ चेकअप कराया। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर तारिक ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनकी देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर वैसे भी काफी सजग रहते हैं, लेकिन समय समय पर ऐसे हेल्थ कैंप से बच्चों के अभिभावकों को और मदद मिल सकेगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर तारिक के साथ साथ डॉक्टर सलमान और डॉक्टर रफीक खान भी बच्चों का हेल्थ चेकअप करने पहुंचे और उनके माता पिता को उन्होंने सलाह मशवरा दिया। आज जो है हम लोगों ने बचपन स्कूल में जो है बच्चों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया है। यहाँ पे सारे बच्चों का चेकअप किया जा रहा है, उनके दांतों का भी चेकअप किया जा रहा है, उनसे जो भी उनकी समस्याएं हैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार की, या फिर उनकी वजन ना बढ़ने की या हाइट ना बढ़ने की, या फिर कोई भी और दिक्कतें जो हैं उनके लिए उनको जो है दवाइयां दी जा रही हैं और सलाह दी जा रही है। क्या देखा गया इन बच्चों में, क्या समस्याएं आ रही? आजकल तो जो मौसमी सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब तो है ही, उसके साथ साथ बच्चों को पेट में दर्द, हाइट ना बढ़ना, भूख ना लगना, वजन ना बढ़ना, ये सब भी समस्याएं हैं। बच्चों के माता पिता को आपने क्या मूल मंत्र दिया आज इस खास मौके पर? अभी जिस हिसाब से मौसम है, इस समय मौसम बदल रहा है, इस समय हमको ठंडक से बचा के रखना होगा बच्चों को, उनको स्वेटर टोपी जूता मोजा पहना के रखना है। शाम के टाइम में वो बाहर और ना जाएं, खिड़की के पास नहीं, छत होती नहीं, नंगे पैर और ना चलें, ना लोल पिना खेलें, और बाहर का सामान वामान तो बिल्कुल ना खाएं। टीवी और मोबाइल से उनकी दूरी बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फल फ्रूट हरी सब्जियाँ खिलाने की। क्या परिचय होगा सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर तारिक अहसन खान है, मैं बस्ती लाइफलाइन दक्षिण दरवाजा जिला अस्पताल रोड पे हॉस्पिटल का संचालक भी हूँ और डॉक्टर भी। यहाँ पे बच्चों को दांत की समस्याओं की विभिन्न बीमारियों के बारे में देखा गया, जिसमें कि कीले लगना, ब्रश न करना प्रॉपर, और ये ओरल हाइजीन मेंटेन करना, इसी के बारे में चेकअप किया गया बचपन स्कूल में। क्या तकलीफें देखी गई इन बच्चों? ज्यादातर बच्चे ब्रश नहीं कर पाते, उनसे दांत में कैरीज होना और सफाई न रखने की वजह से पस बनना, ये सारी समस्या। आज बाल दिवस के अवसर पर बच्चों का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, डेंटल सर्जन थे और भी MBBS डॉक्टर थे, उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, पेरेंट्स को काउंसलिंग भी किया गया कि समय चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, उनको स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ के लिए कैसे अच्छा सा सुझाव होना चाहिए, देख रेख उनकी कैसी होनी चाहिए, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें देखी गई और इनको निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई, चाहे वो मल्टी विटामिन्स की हों, चाहे कीड़े की दवा हो, या जो भी सारी एक मेडिकल का भी निःशुल्क वितरण किया गया मेडिसिन्स का। आज बाल दिवस है और आज स्वास्थ्य परीक्षण का आपने कैंप लगाया, ऐसा क्यों? आज बच्चों का ही दिवस है और बहुत सारे स्कूल तरह तरह के आयोजन की कर रहे हैं। हमने सोचा, बचपन प्ले स्कूल ने सोचा कि हम हर साल तो कार्यक्रम करते ही हैं, बच्चों को इंस्टॉल लगाया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है, गेम खिलाया जाता है, लेकिन इसके अलावा हम स्वास्थ्य पर चिंता किया हमने कि बच्चों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, एक अच्छी सी काउंसलिंग पेरेंट्स को होनी चाहिए। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन CNG गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक CNG शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल पेट्रोल CNG शुद्ध नाप सही माप 100% शुद्धता की गारंटी 2400 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भूअर निरंजनपुर महसो रोड जेल गेट के सामने।